राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से हलचल देखी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में अपने दावेदारी पेश करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालांकि बीजेपी लगातार परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए से कांग्रेस पर हमलावर है और हवा महल से विधायक महेश जोशी ने भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को मुद्दा विहीन यात्रा करार दिया है। कांग्रेस तो बहुत पहले से तैयार है, पूरी कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस सरकार के जो काम है उन कामों का कोई तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। चाहे वो परिवर्तन यात्रा निकाले, चाहे उससे पहले जन आक्रोश यात्रा निकाले, चाहे नहीं सहेगा राजस्थान करे, कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी को सुनने को राजस्थान में लोग तैयार नहीं है। राजस्थान में इस बार विवाद बदलेगा, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और फिर से जिस तरीके से पिछले 5 साल और उससे पहले 10 साल जो राजस्थान की जनता की सेवा की, उससे भी अधिक ताकत के साथ में आने वाले समय में राजस्थान की जनता की सेवा। अभी तो मैंने टिकट मांगा है, कौन क्या बनेगा ये सब एक परिकल्पनाएं हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हम सारे लोग मिलकर, पूरी कांग्रेस मिलकर या पूरी जनता की, राजस्थान की जनता की सेवा करें। योजनाओं से लोगों को राहत मिल रही है, लोगों को लाभ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से लोग खुश में आएंगे और लगातार लाभ मिल रहा है। इस तरीके से महंगाई राहत शिविरों में लोग बात टूटे हैं, एकदम से भीड़ हुई है, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है, लोगों ने उसका लाभ उठाया है, वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है और उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मस्त हो। जयपुर की वो सीट है जो शहर की से जिसकी पहचान मानी जाती है और सबसे पुरानी आबादी की भी सीट है, तो मैं मानती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान सरकार का जो काम है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो लोकप्रियता है और जो संगठन में हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश है, वो इस बात को तय करता है कि आने वाली समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आने वाली है। और ये विश्वास मेरा नहीं है, ये यहाँ मिले मुझे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का भी है, उम्मीदवारों का भी है और जो बहुत सारी डेलीगेशंस मुझसे मिलने आए थे उन सबको। और मैं तो उस प्रदेश से आती हूँ जिसका प्रतिनिधित्व प्रियंका गांधी ने किया था और हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2022 में 40% महिलाओं को टिकट दिया। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी अधिवेशन में तय हुआ था अक्षरशः वो सारी चीज़ें, वो सारे क्राइटेरिया इस इलेक्शन में फॉलो किए।